मैं डॉक्टर चित्रा रानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में पढ़ाती हूँ, हिंदी और जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ। देखिए, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो देश जब शिक्षित होगा तभी आपका देश तरक्की करेगा, ये फैक्ट सब जानते हैं। और हमारे यहाँ का एजुकेशन अभी पूरे दुनिया में नंबर वन पे है। यही कारण है कि हमारे बच्चे इंडिया से पढ़ के वर्ल्ड के हर कंट्री में, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, वहाँ के बड़े बड़े पदों पे जाते हैं। तो यानी कि हमारा ब्रेन, हमारा एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में सबसे अच्छा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम कम खर्च में, मतलब कि हमारी जो फीस का स्ट्रक्चर आप देखेंगे जो यूनिवर्सिटी का है वो बहुत कम है और लोगों की तुलना में, जैसे कि विदेशों में होता है हायर एजुकेशन, वहाँ बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा होता है। तो अब ये इसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। प्राइवेटाइज करेंगे तो यानी कि टीचर को पैसा खुद इकट्ठा करना पड़ेगा, तो कहाँ से इकट्ठा करेंगे? बच्चों की फीस इंक्रीज कर देंगे। बच्चों का फीस इंक्रीज होने का आपको मतलब समझ में आता है, ये पैसों वाले के लिए रिजर्वेशन हो जाएगा। जिसके पास पैसा है उसका बच्चा पढ़ेगा, जिसके पास टैलेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि टैलेंट वाले के पास पैसा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा खतरा, आगे 10 साल बाद आप रियलाइज करोगे कि एक बहुत बड़ी खाई आ जाएगी। सारे ब्रेन वाले जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे, और जो पढ़ने जाएगा जिसके पास पैसे, ज़रूरी नहीं कि उसके पास ब्रेन है, तो पूरा का पूरा जो कंट्री है उसका कितने परसेंट, 10% लोग पढ़ पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा खतरा है और इसीलिए हम रोड पे आए हैं। दुख ये है कि कोई चैनल इसको कवर नहीं कर रहा है, किसी भी पॉलिटिक्स पे ना पढ़ के, क्योंकि मैं बच्चों के लिए यहाँ खड़ी हूँ कि आने वाले टाइम पे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो एक बिना पढ़ा लिखा समाज कैसे देश को आगे ले जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ये प्रोटेस्ट क्योंकि विश्वविद्यालयों को ये सरकार बहुत ज़बरदस्त हमला कर रहे हैं, और इस हमला के विरोध में निजीकरण चल रही है और एक मतलब डिनायल ऑफ एक्सेस, सोशल जस्टिस जो यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़रूरी है वो भी बंद हो रही है। तो इन सब के खिलाफ में सारी जो नियम नीति है इस सरकार की, ये हमारी विश्व पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म करने की आगे जा रहे हैं। तो हम इसके खिलाफ छात्र और अध्यापक दोनों मिल के हम कर रहे हैं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि विश्वविद्यालय की भविष्य देश की भविष्य है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इनको और मजबूत किया जाए। मैम, जो ऑटोनोमी पर सवाल आता है, आपको क्या लगता है आने वाले कल में अगर ये चीज़ हो गई, अगर ये रोल बैक नहीं हुई, तो ये कितना डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है? देखिए, ये जो ऑटोनोमी है ये असली ऑटोनोमी नहीं है, ये एकेडमिक ऑटोनोमी नहीं है। हम चाहते हैं एकेडमिक ऑटोनोमी, हमें था भी एकेडमिक ऑटोनोमी, ये सरकार बराबर उस एकेडमिक ऑटोनोमी को ख़त्म किया है। अभी बता रहे हैं कि मैनेजरियल ऑटोनोमी ले लो, फाइनेंशियल ऑटोनोमी ले लो, जो पूरा बकवास है। हमें चाहिए एकेडमिक ऑटोनोमी, और वो दे रहे हैं मैनेजरियल ऑटोनोमी, ताकि उनके लोग जो वीसी वगैरह बैठे हैं वो जो मर्जी करें बिना कोई बाधन की।